नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बज मीडिया में। दोस्तों, अगस्त 2020 में मोनी नाम के एक ऐप ने 350 मिलियन से अधिक भारतीय यूजर्स का डाटा लीक कर दिया था, जिसमें बैंक अकाउंट और कॉन्टेक्ट लिस्ट समेत कई निजी डाटा शामिल थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोनीर एक चाइनीज फाइनेंशियल ऐप है जो कि लोन देता है। मोनीर ऐप से कोई भी फटाफट लोन ले सकता है। लोन के लिए शर्त यह है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपकी उम्र 21 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इन चाइनीज ऐप से लोन लेने के बाद जो स्थिति बन रही है वह हैरान करने वाली है और चिंताजनक भी है। लोन वापस ना करने पर यह ऐप धमकी दे रहे हैं और न्यूड होकर वीडियो कॉल करने की मांग कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये चाइनीज ऐप लोन फटाफट दे रहे हैं, लेकिन पैसे वापस करने में देरी होने पर ये ऐप आपके फोन में मौजूद फोटो, मैसेज आदि को वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। केरल के अजीत नाम के एक शख्स ने स्नैपिट नाम के ऐप से 35,000 रुपए का लोन महज 6 दिनों के लिए लिया था। उन्होंने ब्याज के साथ 47,000 रुपए का भुगतान भी कर दिया है, लेकिन जब पैसे देने में सिर्फ 1 दिन की देरी हुई थी, तब स्नैपिट नाम के ऐप प्रतिनिधि ने अजीत के फोन की फोटो और मैसेज को उनके सभी दोस्तों को भेज दिया था। इसके अलावा ऐप के प्रतिनिधि ने अजीत को फोन करके धमकियां भी दी हैं। स्नैपिट ऐप की ओर से पुलिस में शिकायत करने की भी धमकी दी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल गूगल प्ले स्टोर पर क्विक और इंस्टेंट लोन देने वाली ऐप्स की संख्या 500 से अधिक है। इन ऐप्स ने कोरोना काल में लोगों की मजबूरियों का खूब फायदा उठाया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से अधिकतर ऐप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड भी नहीं है। ऐसे में ये लोन देने के लिए अधिकृत भी नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद क्विक लोन देने वाली सभी चाइनीज ऐप्स गैर कानूनी रूप से काम कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से प्रत्येक ऐप को कम से कम 10 लाख बार डाउनलोड किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उधार लोन नाम से एक ऐप के प्रतिनिधि ने समय पर लोन का पैसा वापस न करने पर तमिलनाडु की एक लड़की को न्यूड होकर वीडियो कॉल करने की मांग की थी। दुख की बात यह है कि उस लड़की ने इसी साल नवंबर में आत्महत्या कर ली है। आइए आपको बताते हैं कि इन चाइनीज ऐप से भूल कर भी ना लें लोन। बबल लोन, लिक्विड कैश, कैश बी, रूपी फैक्ट्री, पैसा लोन, स्नैपिट लोन, इन नीड, रूपी प्लस, पैन लोन, कैशपोर्ट, वाव पैसा, गोल्ड बाउल, ओके कैश, उधार लोन, गो कैश, फ्लैश कैश, कैशपॉट, वन होप, बिली कैश, मोमो, कैश बस, टाइमली कैश, वाई कैश, किश्त, रोबो कैश, फास्ट रूपी, कैश मामा, लोन टाइम, मोनीड। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।